अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम्स एंड मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे एज वेल, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्रिकेटिंग दुनिया में। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल का हुआ इख्तिताम, हमें मौका नहीं मिला था उस पर बात करने का, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ इज अ लॉट गोइंग ऑन, एशिया कप, वर्ल्ड कप क्या होगा इस साल में, तो शायद हमने खेलों पे कम बात की, बट ये जो ये सारी चीज़ें और एडमिनिस्ट्रेशन और कहाँ होगा, क्या वेन्यूज होंगे, उसके हवाले से हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की। तो आज भी ज़रा डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, बिकॉज द वर्ल्ड कप ड्राफ्ट हैज़ बीन सेंड टू द मेंबर्स ऑफ आईसीसी, और उन मेंबर्स को मिल गया ये ड्राफ्ट, कब कौन सा मेंबर रिप्लाई करेगा, कौन से मेंबर को इख्तलाफ होगा, ये सारी डिस्कशन जो है हम यहाँ करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, और उन सब चीज़ों के साथ जो सवेरा ने कही, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, सो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम बन गई जिसने सारे टाइटल्स आईसीसी के अपने नाम किए हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो एशिया कप के हवाले से या वर्ल्ड कप में जो स्केड्यूल आया उसके हवाले से और एशिया कप के हवाले से कि फाइनली इसमें होना क्या जा रहा है और टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसको वो किस तरह देखते हैं, ये सब डिस्कशन होगा आज के शो में। शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सअप सेगमेंट से। बिल्कुल जी, सो सबसे पहले व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स, क्या चल रहा है, क्या गर्मा गर्म खबरें इस वक्त स्पोर्ट्स की दुनिया में चल रही हैं। तो सबसे पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के अगले साइकिल यानी साइकिल नंबर 3 की बात करें, 2023 से 2025 का जो ये साइकिल है उसमें पाकिस्तान टीम को सिर्फ 14 मैचेस दिए गए हैं खेलने के लिए, और इस एफटीपी में पाकिस्तान के पास ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है। जनरली भी पाकिस्तान के नंबर ऑफ मैचेस, चाहे वो ओडीआई की हमने पिछले साइकिल में देखा, अभी इस साइकिल में हम टेस्ट मैचेस देख रहे हैं, सो कम हैं। इस साइकिल में अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा किसके पास मैचेस हैं, तो इंग्लैंड जो है वो 21 टेस्ट मैचेस खेलेगा इस साइकिल में। ऑस्ट्रेलिया और भारत की बात की जाए तो 19 टेस्ट मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और भारत खेलेंगे। न्यूजीलैंड इस साइकिल में 14 टेस्ट मैच, वेस्टइंडीज 13, जबकि जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश 12 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। अगली खबर है पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के हवाले से। कौमी टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी जो है वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के जो 2 टेस्ट मैचेस होने हैं श्रीलंका में, उसका वो दौरा नहीं करेंगे, उन मैचेस का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। शाहीन आफरीदी को वर्ल्ड कप के लिए 2 टेस्ट मैचेस से बाहर करके उनको रेस्ट दिया जा रहा है, एंड विच लुक्स टू बी अ गुड मूव, बिकॉज बहुत सारी क्रिकेट हमने अपने शोज पर बात की कि बहुत सारी क्रिकेट उन्होंने खेली है, सो एक अच्छी मूव हो सकती है कि उनको ODI और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए उनको थोड़ा ब्रीदर दिया जाए। अभी फिलहाल शाहीन आफरीदी जैसे हमें पता है कि इंग्लैंड में नॉटिंघम शायर के लिए T20 ब्लास्ट में एक्शन में हैं। बिल्कुल जी, सो शाहीन आफरीदी की जहां ये बात कर रहे हैं हम बिल्कुल, मगर इस पे एक डिबेट जरूर बनेगी कि वेदर ही वुड हैव प्रेफर्ड दीज टेस्ट मैचेस या फिर ये काउंटी के मैचेस या T20 ब्लास्ट 100 भी खेलना है उन्होंने। बट यस, वर्कलोड पे काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी नज़र रखी जा रही है। आगे अभी शो में जो है आपको बताएंगे कि किस तरह वर्कलोड देखा जा रहा है और मैनेज किया जा रहा है। मूविंग ऑन फर्दर, अगली खबर की बात करें, सो पाकिस्तान ने इमर्जिंग वुमेंस एशिया कप में नेपाल को 9 रन से हरा कर पहली कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान वुमेंस टीम पहले बैटिंग करते हुए 87 रन पर आउट हुई और कौमी बॉलर ने कम हदफ का कामयाबी से दिफा किया। नेपाल की टीम 6 विकेटों पर सिर्फ 78 रन ही बना पाई। रूप शाह और तूबा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की और बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के पाकिस्तान को जीत दिलवाई। अगली खबर है सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल फुटबॉल के हवाले से। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने लॉयनेल मेसी से बातचीत ना बनने के बाद ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर और PSG के स्ट्राइकर नेमार जूनियर से को टीम में शामिल करने के लिए कोशिशें जारी कर दी हैं, और ब्राज़ील के फुटबॉल स्टार नेमार जूनियर पेरिस में अल हिलाल के नुमाइंदों से राब्ते में ऑलरेडी हैं। वो दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर के दस्तखत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और PSG के साथ मुंसलिक नेमार क्लब से अलहदगी के ख्वाहिशमंद भी हैं। बिल्कुल जी, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, ये थी आज की गर्मा गर्म के स्पोर्ट्स की दुनिया में। बट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात कर लें तो एक बहुत
आई वोंट से कि एक बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, बिकॉज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया पहले ही दिन से जो है वो डोमिनेंट थी और पहले ही दिन से ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया को बैकफुट पे रखा था, बहुत ज़्यादा अब आवाज़ें उठ रही हैं और इंडियन मीडिया की बात करें या इंडियन थिंक टैंक्स की बात करें या क्रिकेट पंडित्स की बात करें तो उनका ये मानना है कि न्यू ब्रांड ऑफ टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी भारत को अगर बड़े मैचेस या नॉकआउट मैचेस में भारत को जीत हासिल करनी है। डिस्कशन हम करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के हवाले से भी, साथ ही साथ वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला है उसके जो ड्राफ्ट स्केड्यूल भेजा गया है सारे मेंबर्स को उसके हवाले से। और हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और काफ़ी जो है बारीकी से नज़र रखते हैं ये क्रिकेट के हवाले से जब डिस्कशन करते हैं। सो फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम सर जी, वेलकम टू द शो। सो फवाद साहब, थैंक यू जी। सबसे पहले मेरे ख्याल से जो हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन है उस पर बात कर लेते हैं, दैट इज द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप का जो है वो ड्राफ्ट स्केड्यूल अभी तक आ गया है, दो के अभी तक पीसीबी ने जो है वो वापसी रिप्लाई नहीं किया है। थर्सडे तक का टाइम है जब तक ये वापस रिप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगले हफ्ते ऑफिशियल स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा। और पांच वेन्यूज हैं पाकिस्तान ने जहां जहां खेलना है भारत जाकर। देखिए, जो एतराज है सवेरा वो आपका, मेरा, मोस्ट प्रोबेबली फैसल का और ज्यादातर लोगों का है, वो अहमदाबाद पे है। अहमदाबाद में जो क्राउड मिलेगा पाकिस्तान को वो बहुत ज्यादा मुखालिफ मिलेगा और मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है खासतौर पे वो बेंगलोर चेन्नई में हो जाए, बट अहमदाबाद मुझे लगता है कि वहां पर बहुत सख्त किस्म का क्राउड मिलेगा, तो पाकिस्तान भी वहां खेलना नहीं चाह रहा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि इंडिया जाने पे तैयार हो गया है, तभी ये एक शेड्यूल भी थोड़ा सा सामने आया है, वरना इतना आसान नहीं था ये शेड्यूल अनाउंस करना। लेकिन अहमदाबाद पे अगर मान जाता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अवॉइड करना चाहिए अहमदाबाद। फवाद साहब, ड्राफ्टेड है बेबी शेड्यूल, ये ऑफिशियल स्केड्यूल नहीं आया है, ये अभी तक मेंबर्स को भेजा और मैंने इसीलिए साथ ये कहा था कि पाकिस्तान पीसीबी ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। मे बी पीसीबी इज वेटिंग एंड नाउ पीसीबी इज प्लेइंग द वेट गेम के एसीसी की एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जरूर आ जाए कि उसके बाद पाकिस्तान को जवाब दे सके। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि जो उनकी बात है वो कितनी मानी गई है एशिया कप के हवाले से, और उसके बाद ही कंफर्मेशन देगा। और एसीसी की भी प्रेस रिलीज मेरे ख्याल से जल्द ही आ जाएगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो हाइब्रिड मॉडल जिसकी बात हो रही थी, जो आखिर में पाकिस्तान जिस पे तैयार हो गया था, वही कुछ लगता है होने जा रहा है, तो पाकिस्तान उसका वेट कर रहा है। बट मैं ये समझता हूं कि अगर आप इंडिया जाते भी हैं तो आप अहमदाबाद पाकिस्तान इंडिया का मैच का जो वेन्यू है कम से कम वो तो चेंज करवाएं, थोड़ा सा तो स्टैंड लें। बिल्कुल सही बात है। और फवाद साहब, हम अगर पिछले दो 50 ओवर वर्ल्ड कप्स की बात करें तो उनका स्केड्यूल जो है वो एक साल पहले से अनाउंस हुआ हुआ होता था, ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड कप के जिसमें यू नो 6 महीने के करीब बाकी हैं और अभी भी टेंटेटिव स्केड्यूल शेयर हुआ है। डू यू थिंक कि यहाँ से भी पता चलता है कि किस तरह बीसीसीआई जो वो डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को और कितना उन्होंने एशिया कप को में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए कितनी प्रिपरेशन की थी कि वो उनके पे कोई रूल नहीं अप्लाई होता कि कितना जल्दी उनको स्केड्यूल शेयर करना है। देखिए फैसल, अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे भी बात बन जाती है तो ये हमारी फेस सेविंग हो जाएगी। ये जो हम कामयाबी का ढोल बजा रहे हैं ना, वो कतई तौर पे नहीं है। कामयाबी तो ये होती कि इंडिया आता और हमारा एशिया का पूरा पाकिस्तान में होता, तो एक फेस सेविंग हमारी हो जाएगी, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से हो रही है कि वर्ल्ड कप फौरन उसके बाद और पाकिस्तान ने थोड़ा सा तगड़ा एक स्टैंड ले लिया है, इसीलिए इंडिया भी बैकफुट पे आया हुआ है। और जो वर्ल्ड कप के शेड्यूल भी जो आप कह रहे हैं कि जी लेट अनाउंस हो रहा है, उसकी भी एक वजह यही है कि इंडिया को अंदाजा था और इंडिया देख रहा था कि पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो उसका मुंतजर था, वरना ये बहुत पहले तय हो चुकी होती चीजें। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ठीक है डोमिनेट कर रहा है, तगड़ी पोजिशन में है, बट इस बार उन्हें भी अंदाजा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वर्ल्ड कप में होना कितना जरूरी है। और अगर आप रेवेन्यू के हवाले से भी बात करें तो सबसे बड़ा मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया का होता है, तो कतई तौर पे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान नहीं जाएगी तो क्या होगा, तो इतना आसान उनके लिए भी नहीं होता।
इस चीज से इवेंट को कराना बगैर पाकिस्तान। लेकिन आपको लगता है फवाद साहब, हमने स्टेटमेंट तो बड़े बड़े दिए, नजम शेट्टी साहब ने और पीसीबी ने काफी बड़े स्टेटमेंट दिए कि ये नहीं होगा तो हम ये नहीं करेंगे, लेकिन इवेंचुअली हमने सही यूटिलाइज नहीं किया कि वर्ल्ड कप में इंडिया पे बहुत प्रेशर है कि पाकिस्तान वहां पे जाए। ऐसे सिनेरियो में हमें शायद थोड़ा बेहतर निगोशिएट करना था, एशिया कप के ज़्यादा मैचेस यहाँ होने या एटलीस्ट एक मैच बड़ा जो पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान श्रीलंका का पाकिस्तान में होने का। देखिए नेगोशिएशन में आप देख रहे हैं इंडिया इतना ओपनली आके नहीं कह रहा होता कि वो क्या करना चाह रहा है या उसके सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट क्या चाह रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो मीटिंग में बात कहने वाली होती है वो हम पहले मीडिया में कह देते हैं, ताकि भाई आपने जहां बात करनी है, जहां शोर डालना है, जहां से काम करवाना है वहां पर बात करें। अब हम पहले उस चीज को लीक कर देते हैं तो उससे नजर ये आ रहा होता है कि शायद इन्हें भी अंदाजा ऐसा नहीं हो पाएगा, तो अपनी पब्लिक को मुतमईन करके ये बातें करते हैं। ये जो भी बातें होनी चाहिए वो सुलह मीटिंग में होनी चाहिए। हमारी तो हम पहले से सारी चीजें मुख्तलिफ जो भी अपने करीब के लोग हैं उनके थ्रू अखबारों में और टीवी पे चलवा देते हैं, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। जो एक तरीका कार है प्रोफेशनल तरीके से एक्ट करें, जहां बात करनी है वहां करनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि बदकिस्मती से कई सालों से, मैं ये नहीं कहूंगा, जो भी हमारी क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले आते हैं उसमें हुकूमत का अमल दखल होता है, जो भी उनका करीब तरीन आदमी होता है वो आ जाता है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो आते नहीं है। ये एक वजह है कि यहाँ पर जाके हम तभी सही फैसले नहीं कर पाते जहाँ करने होते हैं। बिल्कुल, और इस रेफरेंस में जो आप बात कर रहे हैं यही हुआ, और मेरे ख्याल से एशिया कप की जो इतनी खिचड़ी बनी वो इसीलिए बनी कि हाइब्रिड मॉडल प्रपोज तो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मगर प्रपोज करने के साथ साथ ये कह दिया कि हाँ जी अगर ये हाइब्रिड मॉडल इस पे अप्लाई हो जाता है तो फिर वर्ल्ड कप पे भी ये हाइब्रिड मॉडल अप्लाई होना चाहिए, जबकि वो कहते हैं ना कि अपने कार्ड्स आप टाइमली फेंकें तो फिर आपको जो है वो हाइब्रिड मॉडल हो जाता है एक्सेप्ट एशिया कप का, वो अगली बात होनी चाहिए थी, अगली एक वो कहते हैं ना अगला स्टेप होना चाहिए था, मगर वो पहले से ही जो है मीडिया में ये बात कर देना, दैट मेड बीसीसीआई में भी मोर कॉन्शियस। देखिए सवेरा, मसला सारा ये है कि हम खुद क्लियर नहीं है जी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमने ठीक है हमारी बात अगर ये मानी जाएगी तो कहते उसके बाद अगली बात उसके बाद होगी, और हमें जब इतना हमने शोर मचाया हुआ था तो हमें आखिरी वक्त तक उस चीज पे जाना चाहिए कि नहीं जी एशिया कप तो पाकिस्तान में ही होगा। आप मानते ही नहीं, तब जाके और आपको मैचेस भी मिल जाते, या हो सकता था कि इंडिया पाकिस्तान की भी बात होती। एसीसी की इतनी स्टैंडिंग कहाँ है, मतलब बहुत दफा ऐसा हुआ एसीसी, अगर मैं एशिया कप याद करूं तो दो दफा मेरी मेमोरी में तो एटलीस्ट ये आता है कि एक दफा इंडिया डिड नॉट टेक पार्ट इन एशिया कप, एंड एक दफा ऐसा हुआ दैट पाकिस्तान डिड नॉट टेक पार्ट इन एशिया कप, बट एशिया कप हो गया, और वो एसीसी की तो इतनी वैल्यू नहीं है, बट आईसीसी के लिए हम बाउंड हो जाते हैं। हमने जो है वो 9 इवेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को दिखा के आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स से जो है वो इतने पैसे डिमांड करता है कि हम इतने पैसे चार्ज करेंगे। सो पीसीबी बीसीसीआई वर्ल्ड कप के मामले में, आईसीसी इवेंट के मामले में तो बाउंड है। देखिए सवेरा, एक चीज जरूर है कि जब एशिया कप होने जा रहा था और आपके सारी दुनिया की टीमें खेलने जा रही हैं और आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया, तो उससे बहुत जल्दी आप पीछे नहीं हट जाते आप। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ अक्सर जो बड़ा स्टेटमेंट है वो टॉप से आता है जी। आपको टॉप से स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ कोई नीचे वाला या दरमियाने दर्जे का ऑफिसर है वो नजर ही नहीं आता। हमारा जो भी चेयरमैन होता है, जो भी सदर होता है, जो भी सीईओ होता है, वही सारे स्टेट आती है, तब जाके ये कुछ होता है। जल्दी में बहुत ज्यादा, और हमें ये नहीं पता होता कि हमने फाइनली अचीव क्या करना है, फिर हमें खौफ भी ये हो रहा होता है कि नहीं जी अगर नहीं हो गया तो क्या होगा। फिर आपको पता है नौकरियों की सूरत हाल ये है कि अभी तक यही नहीं पता है कि नजम शेट्टी साहब चेयरमैन होंगे नहीं होंगे, जक्का अशरफ साहब होंगे, तो हमारी ये पोजीशन ही क्लियर नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है जिसकी वाले को भी नजर आ रहा है क्या हालात चल रहे हैं, तो है ना, ये बड़ा नुकसान पहुंचा।
बिल्कुल, बहुत बहुत नुकसान इस चीज़ से हो जाता है, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी आवाज़ में, कनेक्टिविटी का मेरे ख्याल से इशू हो रहा है। बट जहाँ हम स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप का जो ड्राफ्ट स्केड्यूल दिया गया उसमें जो मार्की इवेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दैट वुड बी प्लेड ऑन 15 अक्टूबर, और जो वेन्यू बताया जा रहा है वो अहमदाबाद बताया जा रहा है, बट दिस वुड बी दी ओपनिंग मैच फॉर पाकिस्तान इन दी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को सबसे पहला मैच क्वालिफायर, जो टीम 2 क्वालिफाई होकर आएंगी, सो पहली क्वालिफायर टीम से जो है वो मैच खेलेगा जो हैदराबाद में खेला जाएगा, दूसरा मैच भी क्वालिफायर से खेला जाएगा 12 अक्टूबर को, वो भी हैदराबाद में खेला जाएगा, तीसरा मैच 15 अक्टूबर को भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेला जाएगा, मुकाबला होगा, फिर 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेंगलुरु में खेलेंगे पाकिस्तान की टीम, फिर 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई में अगला मैच पाकिस्तान की टीम खेलेगी, देन 26 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर से चेन्नई में ये मुकाबला होगा, देन 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के अगेंस्ट कलकत्ता में जो है पाकिस्तान टीम एक्शन में दिखेगी, 5 नवम्बर को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेंगलुरु में फिर एक्शन में दिखेगी पाकिस्तान की टीम, एंड देन 12 नवंबर को वर्सेस इंग्लैंड इन कोलकाता ईडन गार्डन्स पाकिस्तान की टीम एक्शन में आएगी। बट पॉइंट यही है कि हम फवाद साहब, हम बड़े दिलेरी से ये बात तो कहते हैं कि हमें प्रेशर डालना चाहिए था, बट क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम प्रेशर डाल सकते थे? देखिए सवेरा, आप काफी हद तक सही बात भी कर रही है कि हम इस पोजिशन में नहीं है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड इस पोजिशन में नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो भी प्लानिंग है उसके मुखालिफ जा सके। देखिए, हमने हासिल बेहतरीन कुछ करना होता है जी। हमारा एक तो एशिया कप पाकिस्तान में कराने की बात हो रही थी, हमें वो अचीव करना था, उसमें हमारी फेस सेविंग जरूर हो जाती है अगर ये हाइब्रिड मॉडल वाली बात आ जाती है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आ रहा है, इतना उन्होंने कह दिया है कि जी हालात नहीं है और हमारी गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही, ठीक है आप वर्ल्ड कप खेलने जरूर जाएं और जाना भी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने खास तौर पे आपका मैच अहमदाबाद में रखा है, उस पर आप जरूर स्टैंड ले सकते हैं। तो जिन चीजों पे स्टैंड ले सकते हैं उस पर इतना सोचा नहीं जाता, जैसे ये ड्राफ्ट शेड्यूल आया था आपको फौरन ही उस वक्त किसी ना किसी तरीके से आईसीसी को मैसेज दे देना चाहिए। फवाद साहब, खास तौर पे क्यों? सॉरी, अहमदाबाद मतलब आप कह रहे ना खास तौर पे अहमदाबाद में रखा गया, क्यों? मतलब जो सेंटिमेंट्स है अहमदाबाद की आवाम के, इस वजह से सेंटिमेंट के अलावा देखिए उनका उनको भी बेसिकली ये बताना होता है कि जो हम प्लान कर रहे हैं उसके मुताबिक ही होगा, क्योंकि उन्हें भी इन्फॉर्म किया जा रहा था कि पाकिस्तान शायद अहमदाबाद में ना खेले, लेकिन क्रिकेट बोर्ड उनका स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने कहा नहीं जी पाकिस्तान जो भी कहता रहे हम तो यही खिलाएंगे उन्हें, तो ये एक वजह थी। तो इसलिए पाकिस्तान को बट द रीजन, बीसीसीआई की सोर्स ने जो रीजन दी है, सोर्सेस, क्योंकि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स तो आपने जैसे शुरू में भी कहा बहुत कम बात करते हैं, सो बीसीसीआई की सोर्स ने जो वजह बताई वो ये बताई कि दिस इज द ओनली स्टेडियम विद अ कैपेसिटी ऑफ 100,000 पीपल प्लस 100,000 स्पेक्टेटर्स, और क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच की इतनी डिमांड होती है, सो दिस इज द ओनली स्टेडियम दैट कैन अकोमोडेट दिस मच ऑफ द स्पेक्टेटर्स। देखिए इंडिया, आप कलकत्ता में भी करा सकते हैं, ईडन गार्डन में भी हो सकता है, और हो बड़े मैचेस हुए भी हैं पाकिस्तान इंडिया के ईडन गार्डन में, आप वहां भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी पाकिस्तान को जब ये सब पढ़ रहे थे देख रहे थे कि पाकिस्तान कह रहा था कि जी हम अहमदाबाद में नहीं खेलना चाहेंगे क्योंकि वहां पर क्राउड और जिस किस्म के हालात गुजरात में रहे हैं उससे खौफ जरूर है आपका, पाकिस्तान के पूरे किसी भी हिस्से में खेलने में आपको परेशानी है, सियासी वजह है या कोई और वजह है, लेकिन हम कम से कम ये तो जरूर बता सकते हैं ना कि एक जगह जहां फसादात हुए हैं, जहां हालात थोड़े खराब रहे हैं, वहां पर हम भी नहीं खेलना चाहेंगे। तो ये एक ऐसी वजह है कि जिस पे आपको स्टैंड लेना चाहिए और आपको बता देना चाहिए कि जी हम नहीं खेलेंगे, हम इंडिया तो आ रहे हैं लेकिन हम वहां नहीं खेलेंगे। अब देखना ये है कि हम कितना स्टैंड लेते हैं इस चीज पर, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान शायद यही कहे कि जी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रहा, हम इंडिया तो आ रहे हैं लेकिन अहमदाबाद में हम नहीं खेलेंगे, ये मुझे लगता है। लेट्स सी इसका आउटकम क्या निकलता है। फौज साहब, लेकिन ईडन गार्डन्स में आपने सही कहा कि बड़े मैचेस हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन अभी भी वहां की कैपेसिटी जो है वो 68,000 की है, जो
ऑब्वियसली बहुत कम है, 40% कम है तकरीबन अगर आप अहमदाबाद से कंपेयर करें। और हमने देखा है कि इंडिया की कोशिश होती है कि बड़े मैचेस अभी, क्योंकि वो नया स्टेडियम है, 1 लाख की कैपेसिटी है, आईपीएल के पिछले दोनों फाइनल्स वहीं पे हुए हैं। सो डू यू थिंक कि वो ऑब्जेक्टिव भी इंडिया अचीव कर जाता है अगर पाकिस्तान अग्री कर जाता है और मैच वहाँ पे होता है? देखिए, इस पे आप स्टैंड चाहें तो ले सकते हैं कि जी आप भी पाकिस्तान आ जाएं। देखिए, कहीं तो आप जब पूरा उनको सर आप अपनी भी तो देखें ना। मैं नहीं कह रहा कि इंडिया बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग बोर्ड है, बहुत सारी चीजें उनके कंट्रोल में है, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में भी है। आपको भी पता है कि आपका मैच जो इंडिया के साथ होगा उससे इंडिया की कितनी आमदनी होगी। आप तसव्वुर करें, दुनिया भर में क्रिकेट खेली जाती है, उस मैच का जो इंतजार होता है और उस मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वर्ल्ड कप के बाकी सारे मैच एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ, तो आप ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज पे अगर स्टैंड ले रहे हैं कि आपकी बिल्कुल ही कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको भी पता है कि उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप वहां पर स्टैंड लेके कुछ ना कुछ और गेन कर लेना। अब अगर आप ये फेस सेविंग वाली चीज गेन कर रहे हैं कि 4 मैच पाकिस्तान में हो जाएंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत और बाकी श्रीलंका में एशिया कप हो जाएगा, तो ये तो मैं कामयाबी नहीं कहूंगा ना। तो कामयाबी तो यही है कि यार आप ये करा लें और फिर आपका जो मैच जहां पर ड्राफ्ट शेड्यूल है वो उसके मुताबिक ना हो, आपको स्टैंड लेना पड़ता है। बिल्कुल जी, देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टैंड लेता है कुछ के नहीं लेता, बिकॉज अभी थर्सडे तक का टाइम है इस ड्राफ्ट का रिप्लाई करने के लिए। फवाद साहब, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम इस पर जाएंगे और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे सो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Game Set Match. We are in conversation with Fawad Mustafa. और फवाद मुस्तफ़ा साहब से हमारी डिस्कशन जारी थी वर्ल्ड कप का जो ड्राफ्टेड स्केड्यूल इस वक्त जो मेंबर्स को भेजा गया उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, वेदर PCB वुड टेक स्टैंड के अहमदाबाद में खेलना है या नहीं खेलना, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा कि नहीं होगा, क्या इस इशू पे बात होगी आगे, क्या ये मुद्दा बनेगा एक और बहस का, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला और बहस मुबाइसा ना, ऐसे कैसे हो सकता है। बट मूविंग ऑन फर्दर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की अगर बात करें, सो सबसे पहले तो फवाद साहब एंजॉय किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल? हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे, फिर भी एंजॉय किया। क्रिकेट देखने वाला टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय ना करे बड़ा मुश्किल होता है। यस, वन साइडेड रहा मैं कहूंगा, क्योंकि पहले सेशन में इंडिया ने थोड़ा सा इंपैक्ट डाला था, उसके बाद बिल्कुल भी उनकी वापसी ना हो सकी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की रही और ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक तैयार नजर आ रहा था इस मैच के लिए, इस फाइनल के लिए। जी। इंडिया का फोकस ज्यादातर आईपीएल में था, उसके बाद उनके बॉलर्स भी जो थे वो मुझे थके हुए नजर आए, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए वो आ रहे थे, तो वो सारी चीजें मुझे नजर आई। और इंडियन बैटिंग जिसकी बहुत ज्यादा बातें होती हैं, जहां पर कंडीशंस थोड़ी सी बॉलर्स फ्रेंडली रही हो फास्ट बॉलर्स की, वहां पर इंडियन बैटर्स को प्रॉब्लम आती है। इंडिया को काफी हद तक एडवांटेज माजी में भी रहा है कि जहां वो अपनी होम ग्राउंड में इस किस्म की विकेट्स बनाते हैं जहां किसी भी हरीफ को वो आसानी से हरा लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं जहां पर तेज बॉलर्स को थोड़ी सी भी मदद मिलती है वहां उन्हें परेशानी होती है। तो अब यही करना पड़ेगा कि अगला फाइनल जो है अगर वो पहुंचे तो उस कोशिश यही हो कि इंडिया में ही हो, ताकि वो नहीं जी वो लॉर्ड्स में प्लान्ड है, पहले से लॉर्ड्स में खेला जाएगा 25 का जी, वो सारा कुछ तो है, लेकिन आपको पता है कि इंडिया जिस तरह से क्रिकेट को चला रहा है सारी दुनिया में, तो अगर वो कुछ भी कर सकता है और एक ही तरीकाकार है जीतने का वो यही है कि इंडियन कंडीशन में तो पहले इंडिया फाइनल में, क्या टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला आप कहते हैं रोहित शर्मा का गलत था? थोड़े से उन्होंने बादल देखे और वो बादल महज 45 मिनट्स रहे होंगे, उसके बाद पांचों दिन कोई बादल नहीं दिखे, सूरज ही सूरज था। देखिए, कंडीशंस जो थी आपने देखा शुरू में जो आउट किए थे, लेकिन आपने कंसिस्टेंटली बॉल को वहीं हिट करना होता है इन कंडीशंस में, तो वो आप नहीं कर पाए। फिर उमेश या को आपने खिलाया, वो उन कंडीशंस को यूज नहीं कर पाए, तो आपके पास सही मायनों में वो बॉलिंग ही नहीं थी जो उसको यूज करते। फिर मुझे लगता है कि इस टीम को होते हुए अश्विन को इस टीम में होना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा उन्हें सेटबैक जरूर रहा कि जो बॉलिंग चाहिए होती है उन कंडीशंस को प्रॉपरली यूज करने के लिए वो नहीं थी। अगर उनकी बॉलिंग होती तो शायद आपको ऑस्ट्रेलिया इतना रन करता हुआ नजर नहीं आता। फिर जब बैटिंग के हवाले से बात करें तो इसमें आप इन जगहों पे अगर आप देखें तो वो बॉल के ऊपर खेलने जा रहे थे, वो जो खेल रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट तो अच्छी होती है लेकिन आपने देखना होता है ना कि कौन सी बॉलें छोड़नी होती हैं,
तो वो आप गलतियां किए जा रहे थे, वो आपको बैटिंग में नुकसान हुआ, फिर आप जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे वो आपको तैयारी ही नहीं थी जो जो फाइनल खेला जाना था जी। तो आपकी गलतियां कमजोरियां नजर आई और ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक बहुत बड़ा फर्क नजर आया कि करीब भी नहीं थी इंडिया उसे। बिल्कुल सही। और फवाद साहब, ऑस्ट्रेलिया को एक क्रेडिट तो जाता है कि उनके पास जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आते हैं वो इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। जिस तरह की बॉलिंग हमने बॉलैंड की तरफ से देखी, इट वाज आउटस्टैंडिंग, और उन्होंने हेजलवुड को रिप्लेस किया है। लेकिन इंडिया पे जैसे आपने कहा, जसप्रीत बुमराह को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो नए प्लेयर्स अपने लाता है वो इतने ग्रिल्ड, इतने तैयार होते हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि उनका वो इतने नए प्लेयर्स हैं। फैसल, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो लोगों पे डिपेंड नहीं कर रहे होते कि जी एक प्लेयर है तो उसी को चलाना है। जैसे अभी सवेरा बात कर रही थी कि टेस्ट सीरीज होने वाली है और शाहीन शायद उस सीरीज का हिस्सा ना हो, तो हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमारी रेड बॉल क्रिकेट कौन से प्लेयर्स खेलेंगे और व्हाइट बॉल क्रिकेट क्या कौन खेलेगा। आप देखिए, अभी पिछले 20 साल में कोई एक ऐसा बॉलर नियम पैदा कर पाए, तेज बॉलर, जो 200 विकेट टेस्ट में हासिल कर सके। तो हमारा तो फोकस ही व्हाइट बॉल पे है। इसी तरह आप इंडिया को भी देख लें, क्योंकि हमारे इस खत्ते में पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है और पैसा सफेद बॉल क्रिकेट में है। आप देखिए इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में वो जो उनके टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि टेस्ट क्रिकेट से ही उनको तारीख में याद रखा जाएगा, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल स्टुअर्ट ब्रॉड भी है, एंडरसन भी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स थे जिन्होंने आईपीएल को अवॉइड किया, ठीक ठाक अपना माली नुकसान किया। तो ये थोड़ा सा सोच में भी फर्क है, तो उसका एडवांटेज भी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीमों को जाता है। और सोच से ज्यादा आप देखिए एक और चीज जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है कि कितनी एक कहते हैं ना, एक फोर्स की तरह उनके प्लेयर्स ये सोचते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ट्रेविस हेड है हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। 4 साल पहले एग्जैक्टली इसी मैदान में उनको ये बता दिया गया कि नहीं जी, पूरा एक राउंड लगाया कोच ने उनके साथ और उनको ये बताया गया कि नहीं जी अब आप हमारे टेस्ट के प्लान्स में नहीं हैं। और 4 साल बाद जिस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ही री इमर्ज, इट वॉज कमेंडेबल। देखिए ऑब्वियसली, देखें जी, आप जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट अपने मुल्क में जाके खेलते हैं तो वहीं आप परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर सिस्टम ऐसा है कि वहां ये नहीं होता कि आप से अगर नाराज हैं तो आपकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप परफॉर्म करते तो आप वापस टीम में आ जाते हैं, कोई पर्सनल एक तरह से आप उनसे नाराजगी नहीं ले ली जाती कि नहीं जी नहीं ये प्लेयर खत्म हो गया तो नहीं आने दिया जाएगा जी। जो भी प्लेयर जब जरूरी होता है जिस फॉर्मेट के लिए उसको वो वहां लेके आते हैं, क्योंकि सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है। हमारे यहाँ या इंडिया में भी बदकिस्मती से इस तरह का सिस्टम नहीं है, और रेड बॉल क्रिकेट पे हम हमारा फोकस हल्के हल्के खत्म होता जा रहा है, और ये इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। उनको एडवांटेज ये कि उनके मुल्क में जो क्रिकेट खेली जा रही है कम अज कम उनके पास वो स्पिनर्स जरूर मौजूद हैं जो उसमें उनको हेल्प कर देते हैं। हमारे पास अब उनके स्पिनर्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हम अपनी कंडीशंस को यूज नहीं कर पा रहे, उनकी ये जरूर है। हैरानी होती है ये देख के क्यों नहीं सिस्टम में, उनकी बेंच की हम बात करें तो बेंच पे काम होता है, टीम ए पहले से ट्रैवल कर जाती है उस जगह पे जहाँ पे जो मेन टीम है उसने खेलना होता है, मैच खेलना होता है या सीरीज खेलनी होती है कोई जाके। हम रणजी ट्रॉफी की बात करें तो कितनी कंसिस्टेंटली साला साल से हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक का सेटअप नहीं तब्दील होता। हम तो अपने डोमेस्टिक के सेटअप को मतलब पर्चियां डाल के निकालते हैं कि क्या करेंगे, क्या डोमेस्टिक सेटअप होगा, उसके बावजूद वो बेंच क्रिएट नहीं कर सके। बट टॉकिंग अबाउट द फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिस तरह थरली दिल से वो सपोर्ट करते हैं, शायद उतना ही ज्यादा वो डिजेक्टेड फील जब के परफॉर्मेंस नहीं आती, क्योंकि एक आईसीसी ट्रॉफी ना हासिल करना, एमएस धोनी के बाद से इंडिया इज स्ट्रगलिंग बैडली कि आईसीसी ट्रॉफी नहीं हासिल कर पा रहे। मेंटालिटी बदलनी होगी, माइंडसेट बदलना होगा। रोहित शर्मा ने भी ये कहा कि हमें डिफरेंट ब्रांड ऑफ टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी। फवाद साहब, द न्यू फॉर्मेट, द न्यू वे ऑफ प्लेइंग टेस्ट फॉर्मेट, इज इट बैस बॉल नाउ? क्या यही चलेगा इसी तरह खेल के जो है वो टीम्स, वो जो हम टेस्ट का एक वो कहते थे लेवल ऑफ पेशेंस, और वो पेशेंस गेम तो होगा मगर जहां मौका मिलेगा वहां अग्रेशन भी होगा। देखिए, आपने जीत हार की सोच से अब खेलना है, वो जो ड्रॉ वाला एक आपके जहन में होता था वो अब खत्म होता जा रहा है, वो आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉ की सोच रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप हार ही जाएंगे, तो आपको सोच ये रखनी है कि आपने जीत के लिए जाना है।
और जहां तक इंडिया के फैंस बात कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट चलाने वालों को भी पता है कि जब तक वो अपने खेलने की जहां वो होम कंडीशन में खेलते हैं वहां पर एक सोच मुख्तलिफ नहीं लेके आएंगे कि बाहर जो कंडीशन मिलती हैं उस किस्म की सोच के साथ वो खेलेंगे। चंडीगढ़ के एक ऐसी जगह है कि जहां पर तेज बॉलर्स को मदद मिलती है, अगर आप उस किस्म के वेन्यूज या उस किस्म के ग्राउंड्स में आप क्रिकेट खेलेंगे और इस तैयारी के साथ कि अगर हम हार भी जाते हैं तो कोई वजह नहीं है, तो उनको फायदा होगा। तेज बॉलर्स उनके पास आ रहे हैं बट वो सफेद बॉल क्रिकेट के लिए आ रहे हैं, चार ओवर वाले उनके पास फिर भी बॉलर्स आ रहे हैं, तो इन्हें रेड बॉल क्रिकेट पे काम करना पड़ेगा। और बिल्कुल आपने सही बात की कि बुमराह के बाद से कोई सही रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रही। शामी है और शामी और सिराज मैं आपको बता रहा हूँ वो उस तरह से डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी बॉडी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इवन उमेश भी थोड़ा बेहतर करते, आप सोचे ना इतनी सख्त क्रिकेट आईपीएल की वो खेलते हुए आ रहे थे तो वो तैयार ही नहीं थे। 14 मैचेस जी, इतने लगातार बैक टू बैक मैचेस आप खेल रहे थे तो आपकी तैयारी नहीं थी। उनके मुकाबले में अगर आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करें तो वो काफी हद तक फोकस थे, वो तैयार थे, उन्होंने रेस्ट किया और वो आके फिर उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो बॉलिंग और ठीक बॉलिंग थी लेकिन वो उतना भी नहीं कर पाई क्योंकि वो थके हुए थे और लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। अगर शायद इंडिया का फोकस थोड़ा टेस्ट चैंपियनशिप पे ज्यादा होता आईपीएल के मुकाबले में तो ज्यादा बेहतर करता दूसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। अब ये पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट ना खेलने की सोच है और पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने देने वाली सोच है उसका भी नुकसान हो रहा है। आप पाकिस्तान के साथ अगर खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट को फायदा होगा चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें। और जितने मुश्किल हालात रहे हैं पाकिस्तान के साथ माजी में भी क्रिकेट होती रही है क्योंकि आपको क्वालिटी बॉलिंग जो खेलने को मिलेगी वो पाकिस्तान की होगी। और प्लेयर्स में जो एक जीत का बड़े मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आती है या आपके अंदर हिम्मत आती है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से आती है। तो इन्हें 5 रोजा क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के साथ दोबारा खेलने के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। और जिस तरह इंडिया ने आखिरी दिन बैटिंग की है, एक चीज बॉलिंग के अलावा इंडिया हालांकि स्ट्रेंथ हमेशा बैटिंग रही है, बैटिंग में भी हमें लगता है कि इंडिया को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। पिछले दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स में जो टॉप फोर के बैट्समैन हैं उनमें से किसी ने 150 स्कोर नहीं किया। तो पांचवें दिन हमें लग रहा था कि कोहली क्रीज पे है, रहाणे क्रीज पे है तो शायद कुछ फाइट होगी लेकिन नहीं हुआ ऐसा, विच मींस कि बैटिंग भी इंडिया की उतनी स्ट्रांग नहीं है अभी। जी बिल्कुल फैसल, जो आप बात कर रहे हैं बैटिंग पे ही इंडिया डिपेंड करती आई और बैटिंग ने भी डिलीवर नहीं किया इस टेस्ट मैच में और उसकी वजह वही आपको नजर आई कि जो कंडीशंस थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल हुई और वो वहां पर फेल हो गए। बिल्कुल जी, मुश्किलात बढ़ गई और मुश्किलात उस पे देखना पड़ेगा। फैंस बहुत, मीडिया बहुत डिजेक्टेड है इंडिया का ऑब्वियसली बिकॉज आईसीसी ट्रॉफीज नहीं। बट थैंक यू फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हो गया।